दिन रात की खिंचाई क्यों नहीं कर रहे? इतना चला रहा हूँ बार बार, फिर भी खिंचाई नहीं कर रही। चाल आगे पीछे भी कर रहा हूँ, नहीं चला रहे। इसका मसला का हल करना पड़ेगा। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है सिलाई मशीन का, वो है दंदार पटरी। कि सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींच रही, चाल बड़ी छोटी कर रहे हैं तो कपड़ा हरकत नहीं कर रहा, तो आप इसका क्या हाल निकालेंगे? आज हम आपको सिखाएंगे इसका दंदार पटरी किस तरीके से तब्दील किया जाता है। दोस्तों आप देखें, मैं चाल ऊपर भी कर रहा हूँ और नीचे भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर चाल खत्म हो जाती है, एक दो तीन चार पाँच तक चाल सबसे बड़ा टाँका होता है, लेकिन फिर भी कपड़ा मशीन खींच रही, कपड़ा वहीं पर खड़ा है। ये देखें, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींच रही। अगर आपकी सिलाई मशीन का दंदार पट्टी ख़राब हो जाए, आपकी मशीन कपड़ा नहीं खींच रही, तो आपने खुद दंदार पट्टी चेंज करनी है। उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से दंदार पट्टी चेंज करनी है। फुट प्रेस खोल लेना है, हाथ से खोल लें। आपके पास पेचकस है, टक पड़ा पेच को तो पेचकस से खोल सकते हैं, लेकिन ये बगैर टक वाला है, ये प्लास्टिक खुलेगा। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है दंदार, ये पैर फुट प्रेस देख रहे हैं, इसमें काफ़ी खड्डे पड़े हैं। देखें तीन निशान आपको नजर आ रहे हैं, नया फुट प्रेस है और ये पुराना फुट। अगर आपकी मशीन में पैर के निशान इस तरीके से हों तो समझे आपकी कपड़ा मशीन नहीं खींचेगी। पेच रुका लेने दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं आपने करना। दोनों पेच आपने रुका लेने और प्लेट को आपने बाहर निकालना है। दंदार भी आपने खोल लेना दोस्तों, ये दो पेज लग गए छोटे थे, इसको भी आपने लूज कर लेना। पेज को आपने एक साइड पर कट रखना है, कहीं गोबला हो जाए। क्या ये तीनों ख़राब है, ये फुटप्रेस भी ख़राब है। यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो ये दंदार मुलायम हो जाएंगे, मुलायम होने से कपड़ा नहीं खींचेंगे। और ये नए हैं, यहाँ पर ये तेल होते हैं, तीखे होते हैं, ये कपड़ा खींचेंगे। ये पैर भी नए हैं और ये प्लेट भी नहीं है। सबसे पहले आपने ये दंदार लगाना है, ये तीनों एक साइड रखें दोस्तों। सबसे पहले आपने दंदार लगाने हैं, ये छोटे पेज दो हैं आपने यहाँ पर लगा देने हैं दंदार पर। सुई को आपने खोल लेना है, कहीं हाथ पर ना लग जाए, सुई बाद में लगा सकते हैं। उसकी भी खोल लें और दंदार को आसानी से लगा सकते हैं इस तरीके से। आपने प्लेट को सेट करना है जी, यहाँ से शुरू होती है, ये सेंटर आ गया, तो यहाँ पर आपने फुल कर देनी है। और आपने यहाँ पर देखना है दंदार पर, दंदार कहीं पल्ली के बैक साइड पर नहीं लग रहा, पेच आपने टाइट कर लेने हैं। दंदार लगाने का तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है, ये आपने टाइट कर लिए प्लेट के पेच। चाल फुल ऊपर करने से आपके दंदार बैक साइड पर नहीं लग रहे, अगर लग रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? लेकिन जी आपने चीज़ दो गौर से देखनी है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये आपको पेच नज़र आ रहा होगा, आपने इसको लूज कर लेना है दोस्तों, पेच को आपने लूज कर लेना है। ये दंदार की सेटिंग है, ये आपने कर लिया। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं चिमटी लगी है, और चिमटी पर आपने पेचकस लगा देना है यहाँ पर नीचे से, थोड़ा सा इसको ऊपर करना है। यहाँ से आपने गौर से देखना है, देखें दोस्तों ये ऊपर गया, और ये देखें यहाँ पर काफ़ी दंदार जो पीछे लग रहे थे आगे की तरफ आ गए। दोबारा टायर कर देना, बिल्कुल एक जैसा बराबर होना चाहिए दंदार, बराबर होगा तो कपड़े खिंचाई होगी। ये देखें दोस्तों, दंदार काफ़ी नीचे हो चुके हैं और बराबर भी हो चुके हैं। देखें अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये पेज को टाइट कर देना है अच्छे तरीके से।
बिल्कुल बराबर हो चुकी है, ये देखें। अब आपने सुई लगानी है, सुई लगाकर ये सुराख का सेंटर करना है प्लेट का। सुई आपने बिल्कुल नहीं लगानी है, पुरानी सुई नहीं लगानी, सुई नहीं लगानी है। ये सुई मैंने लगा लिया नहीं, इसको टायर कर लेना है। टायर करने के बाद आपने ये आप देख रहे हैं सुराख पटरी का, सुई को एकदम सेंटर आना चाहिए। दोस्तों जिंदा अगर आपका बैक साइड पर डाउन हो तो आपका मशीन कपड़ा नहीं खींचेगी। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास ये इस तरह की वाशर है ब्रीक तो फ़ायदा है, अगर नहीं है तो आपने इस सैद के मुताबिक अगर आपके पास गत्ता है तो आपने वाशर बना लेनी है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल मुताबिक बनानी है आपने। अगर दो हो तो फायदा, एक फिर काम आ सकती है। ये देखें यहाँ से आपने काट लेना, ये आपने बेल खोले नहीं दोस्तों इस तरीके से, उसके पेज भी लूज करने दोस्तों। दोस्तों पेज के नीचे आपने ये पैकिंग रखनी है गत्ते की, या आपके पास वाशर है दोनों चल जाएंगे। इसमें दो पैकिंग चाहिए, एक ये वाली दोस्तों। मैंने ये दो पैकिंग रख ली है क्योंकि ये ज़्यादा डोन है, इसलिए दो पैकिंग आएंगी, एक वाशर एक गत्ते। गत्ते के साथ की मैंने एक वाशर और बना ली है, ये आपने पेज लगा देना है, पेज टायर कर देना है। दूसरे पेज को टायर कर देना है, दोनों पेज आपने अच्छे तरीके से टायर कर लेने हैं, ये दोबारा लूज ना हो चलते चलते हुए। और सुई का सेंटर कर लेना है फुट प्रेस का, इसको चेक कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो रुक जाएगी, जैसे जैसे आप बड़ा करेंगे इस चाल को कपड़ा ज़्यादा खींचेगी। ये देखें ये फुट बड़ी कर लिया, कपड़े खिंचाई ज़्यादा होगी। मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया दंदार पटरी तब्दील करने का तरीका। अगर आपका दंदार पीछे से डोना है तो आपने पीछे से पैकिंग रखनी है, अगर दंदार की आगे तरफ से डोना तो आपने आगे तरफ पैकिंग या वाश रख लेनी है, दंदार की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद अपने पैर और जो प्लेट लगा देनी है तो आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपने ज़्यादा इजाज़त दें।